कानपुर में ऑनलाइन टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। एसपी विधायक इरफान सोलंकी समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। खबर दिखाए जाने के बाद कार्रवाई की गई है। इरफान सोलंकी और उनके लोगों ने लगाया था मजमा लॉकडाउन उल्लंघन करने के मामले में एफआईआर दाखिल किया गया। तकिया पार्क के चौकी प्रभारी को निलंबित भी किया गया है। तो एक बार फिर से R9 TV की खबर का बड़ा असर और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। नीरज, एक बार फिर से कानपुर में R9 TV की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। एसपी विधायक इरफान सोलंकी समेत कई लोगों पर FIR दर्ज किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको बता दूं, ऑनलाइन टीवी ने इस खबर का प्रमुखता से दिखाया था। ये जो वीडियो वायरल हुआ था इसको प्रमुखता से दिखाया था। साथ ही सवाल खड़े किए थे कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, भले ही वो विधायक हो, क्योंकि जो हॉटस्पॉट इलाका है चमनगंज, वहां काफी केसेस आए थे। वहां इस तरीके का मजमा लगा के तस्वीरों में उसमें पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे थे। तो हमारी खबर का असर हुआ है और जो पुलिसकर्मी है उसमें से तकिया पार्क चौकी इंचार्ज है उनको निलंबित किया गया है। बाकी जो अधिकारी दिख रहे हैं, सीओ समेत जो अन्य थानों के एसओ है उनको स्पष्टीकरण मांगा गया है, उसके बाद उन पर कार्रवाई तय की जाएगी। इसके अलावा जो इरफान सोलंकी हैं सपा विधायक और उनके भाई हैं, उनके ऊपर और तमाम अन्य जो अज्ञात लोग हैं उसमें शामिल हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। जी तो नीरज, करीब कितने लोगों पर FIR दर्ज की गई है? जी, वीडियो में तकरीबन 100 के लोग, 100 के करीब लोग बताए जा रहे थे। तो कुछ नामजद लोगों के अलावा इस पे अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 144 का उल्लंघन, इसके साथ में जो महामारी अधिनियम और आपदा अधिनियम है उस पे के तहत यहाँ पे कार्रवाई की गई है, मुकदमा दर्ज किया गया है। जी नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन उल्लंघन करने को लेकर उनके तरफ से कोई स्पष्टीकरण सामने आया है क्या? अभी इस तरीके का उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है, ना ही अभी इस मामले पे उन्होंने कोई मीडिया से बातचीत की हुई। लेकिन ये वीडियो जब वायरल हुआ उसके बाद प्रमुखता से हमने दिखाया है और पुलिस ने संज्ञान लिया है। जो अधिकारी हैं कानपुर के, उन्होंने इस पे संज्ञान लेते हुए इसको मुकदमा दर्ज किया है। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो कानपुर में एक बार फिर से R9 TV की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। एसपी विधायक इरफान सोलंकी समेत कई लोगों पर FIR दर्ज किया गया। खबर दिखाए जाने के बाद कार्रवाई हुई है। इरफान सोलंकी और उनके लोगों ने लगाया था मजमा।